युवा स्टार्टअप खोले। अब सरकार ने बनाया स्टार्टअप इंडिया का एक स्कीम बनाया, हमने भी इसका स्वागत किया, क्यों ना युवा आपकी तरह अपना ही स्टार्टअप करें। स्टार्टअप इंडिया के इन्होंने बहुत उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, स्लोगन की, लेकिन आज इनका स्टार्टअप इंडिया में आज एप्लीकेशन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टअप इंडिया से, अब ये बता दीजिए कि स्टार्टअप इंडिया से कितने हैं, क्योंकि इनके सारे काम ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है स्टार्टअप को लेकर, तो उसको क्यों नहीं रिवाइव किया जा रहा। जब युवाओं का मंच है, नमस्कार, युवाओं का मंच है तो मेरा सवाल इस सिस्टम से है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि 35% ऐसे लोग हैं जो राजधानी नहीं बता सकते, एक भाई साहब बता रहे थे कि सरकारी स्कूलों में जब हम एडमिट होते हैं तो वहां पर मरीज मर जाता है, ये दोनों ही दर्द एकदम सही है। इस देश की आज की स्थिति यही है, और वो स्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले 70 सालों से इस देश की योग्यताओं को, यहाँ सब पीछे बैठे हैं, उन योग्यताओं को आरक्षण के नाम पर बांध कर रखा है। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसमें जो टीचर पढ़ाता है वो 50-45% वाला टीचर पढ़ा रहा है, जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं उसमें जो डॉक्टर रहेगा वो भी कम योग्यता वाला है, जो योग्यवान है उन्होंने अपनी हॉस्पिटलें खोल रखी है, जिसको कोई भी साधारण आदमी एफर्ट नहीं कर पा रहा है, जो शिक्षक योग्यवान है उन्होंने अपनी स्कूलें खोल रखी है, उसको कोई एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आरक्षण के ऊपर सिस्टम को कुछ सोचना चाहिए। चलिए यहाँ पर शहजाद आपने, मैं और इस पर भी जवाब लेती हूँ, शहजाद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको माइक दे दीजिए प्लीज,